नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस के रोकथाम के सभी नियम 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। गृह सचिव भारत सरकार अजय भल्ला की तरफ से सभी राज्य सरकारों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की स्थिति अभी स्थिर है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों में बढ़ते हुए एक्टिव केस और हाई पॉजिटिविटी रेट चिंता की वजह है। आशीर्वाद यात्रा के क्रम में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान समाहरणालय के समीप एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की बात कही है। अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अपनी आईफोन 13 सीरीज को अगले महीने लॉन्च कर सकती है। इसमें सबसे खास फेस अनलॉक फीचर होगी। कंपनी ऐसा फीचर लेकर आ रही है जिसमें मास्क या फिर चश्मा लगाकर भी फोन अनलॉक हो जाएगा। बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के तकरीबन 10 लाख मैट्रिक पास छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की राशि का डीबीटी के माध्यम से एक महीने के अंदर भुगतान करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का विरोध हुआ। हालांकि केवल एक युवक ने उनका विरोध किया। युवक का कहना था कि वो मंडी में आढ़ती है और उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी है। ये लोग मंडी के रास्ते में नारेबाजी कर रहे हैं, उसका माल उतारना है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के पहले जदयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में पीएम पद के लिए कोई भी रिक्ति नहीं है। कांग्रेस में जीत 23 समूह के प्रमुख नेता मनीष तिवारी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी की चुप्पी से नाराज है। तिवारी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि पिछले साल अगस्त में जब नेताओं के समूह ने पार्टी की बेहतरी के लिए पत्र लिखा तो उन्हें देशद्रोही कहा गया, लेकिन अब सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी के सभी बैकलॉग पोस्ट एक साल के अंदर भर जाएंगे। इस आदेश के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद अपनी पीठ थपथपा रही है। तेजस्वी ने कहा, ये हम सबों की जीत है। देश में पिछले 24 घंटे में 46,759 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,801 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केरल में ओणम का त्यौहार आने के बाद से कोरोना वायरस में काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में केरल में जितने मामले सामने आए हैं वो देश भर में आए नए मामलों का 70% के आसपास है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान को भव्य अंदाज में दर्शकों के सामने लाने में यशराज फिल्म्स कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में मीडिया पोर्टल की माने तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जल्द ही स्पेन के लिए रवाना होंगे, जहां फिल्म के कई अहम सीन्स फिल्माए जाएंगे। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को चीन की झांग मियाओ के खिलाफ शानदार जीत के साथ महिला एकल वर्ग के क्लास 4 के फाइनल में प्रवेश किया। भावना ने शनिवार को रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 3 मियाओ को 3-2 से हराया था। इन्फोसिस द्वारा नए आयकर पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद कर रिटर्न में तेजी आई है, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा सकता है। बीते 4 दिन से रोजाना 5 लाख से ज्यादा रिटर्न भरे जा रहे हैं, जबकि 21 अगस्त से 2 दिन तक पोर्टल पूरी तरीके से ठप था। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना को मात देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। अगर आप चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी दफ्तर में रह रहे हैं तो आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना होगा या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा। कोरोना को देखते हुए एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार द्वारा लोगों के मसीहा के रूप में मशहूर अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों का मानना है कि आगामी चुनाव में लाभ लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के लिए एक भयावह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2050 तक कारोबारी जिले नरीमन पॉइंट और राज्य सचिवालय मंत्रालय सहित दक्षिणी मुंबई का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल बढ़ने के कारण पानी के नीचे चला जाएगा। महाराष्ट्र पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस बात की जानकारी दी है। लगातार ट्रांसफर की वजह से अपने वाहनों को भी ट्रांसफर कराने की चिंता या फिर उन्हें मूल राज्य में छोड़ने की मजबूरी को खत्म करते हुए सरकार ने नई भारत सीरीज पेश की है। इस सीरीज वाले वाहनों को देश में कहीं भी लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और किसी अन्य राज्य में ले जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बन गया है जिसने एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के अनेक राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की तीव्रता की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि की भी भविष्यवाणी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि देश में स्वदेशी पोत निर्माण का हब बनने की असीम संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र घरेलू उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने में मदद के लिए कई नीतियां लाई है। भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS को विग्रह यहां नौसेना के बेड़े में शामिल करने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दुनिया भर में सुरक्षा पर खर्च 2,10,000 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएगा। जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के 7 साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को कहा कि इस पहल से न सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया गया है बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि यह लगातार 3रा दिन है जब केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। भारत में कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए देसी ऐप भारत कॉलर लॉन्च कर दिया गया है। डेवलपर कंपनी का दावा है कि ये ऐप ट्रू कॉलर से न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि शानदार एक्सपीरियंस देगा। भारत कॉलर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के स्टूडेंट रहे प्रज्वल सिन्हा ने बनाया है। मोदी सरकार ने रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गोदाम जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथ में दे दिया है जिस पर अब कन्हैया कुमार ने तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार, साहिब के मकान के बाहर लिखा होना चाहिए अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार। दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी गायक एवं अभिनेता यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा के मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने कहा है कानून से ऊपर कोई नहीं है। इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने 3 साल हो चुके और इस मौके पर इमरान खान अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश में लगातार 3 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहना ही जानकारों की माने तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उनके शासनकाल में पाकिस्तान बदल रहा है। भारत ने नेपाल के 15 बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों की मदद के लिए मानवीय सहायता के तहत नेपाल को 8 करोड़ रुपए की राहत सामग्री दान की है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हाल ही में हुए नुकसान को देखते हुए राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह समन मनी लॉन्ड्रिंग कोल स्कैम केस में भेजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि तनाव और चिंता से भरे आधुनिक समय में योग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का मार्ग है तथा योग को अपनाने से व्यक्ति आरोग्य के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करता है। देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नया दावा किया है। नए शोध के आधार पर ICMR ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त है। फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य के झूठ को उजागर करें। नागरिकों के सत्ता से सच बोलने का अधिकार विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि लोकतंत्र में राज्य राजनीतिक कारणों से झूठ नहीं बोल सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शशि भूषण, पंकज कुमार, प्रीति रॉय, नुन्नू कुमार, विजय पांडे, गुड्डू कुमार, ओमकार सिंह, सदफ कायनात, सिकंदर कुमार, पंकज कुमार, NK गांधी, मोहम्मद मकसूद, पंकज कुमार, अनिल कुमार, सरवन कुमार, रिया वर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के रोकथाम के लिए भारत सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।